वेलकम बैक एवरीबॉडी. हम जानते हैं मौसम, शादी का मौसम आ रहे हैं. एंड आज का टॉपिक इज ऑल अबाउट दिस. आज का टॉपिक है, मेरी शादी में 2 महीने रह गया है, बचाओ. I'll say that again. मेरी शादी में 2 महीने रह गया है, बचाओ. एंड सिर्फ एक आदमी हमें बचाव चाहिए, and that is बचाओ मौसम. Assalamualaikum. Hi Kiran, good morning. Very early morning. But ये बहुत बड़ा इशू ब्राइड्स के लिए, क्योंकि 2 महीने से पहले पैनिक स्टार्ट. और दिसंबर में बहुत सारी शादियां, बहुत शादियां होती हैं, बहुत ज्यादा, किसके बाद कोई शादी नहीं होगी ऐसा लगता है. सो हर सोल ऑन अर्थ वांट्स टू गेट मैरिड. और दूसरी बात ये कि मैं एक बात कहना चाहूँगा, लड़की के लिए नहीं, लड़के के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है, क्योंकि सारा प्रेशर ठीक है वो बहुत होता है. तो 2 महीने रह गए हैं, अब फुल मोमेंटम. अच्छा, कुछ चीजें इस टाइम तक कर लेनी चाहिए. तो हम अजम्पशन ये शुरू कर रहे हैं किरण कि कुछ चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं. मसलन आपने अपना जोड़ा ऑर्डर कर दिया है. जोड़े के लिए रेकमेंडेड ऑर्डरिंग टाइम कम अज कम, इफ यू वॉन्ट टू गो टू बंडो गाजमी, देन गो टू हर फॉर अ ईयर बिफोर. ठीक है, नॉर्मल एक साल पहले. डिजाइनर नहीं, नॉर्मल भी. तो कम अज कम 4 महीने. चार महीने. और डिजाइनर के पास आप जाके कर रहे हैं तो 4 से 6 महीने फॉर दिसंबर वेडिंग. ठीक है, फिर आपकी वेन्यू बुकिंग है जहां आपको शादी करनी है, क्योंकि अगर दिसंबर के लिए है तो कम से कम मैं कहूंगा 8 महीने पहले आप बुक कर लें. दिसंबर में साल पहले बुकिंग्स हो जाती है. ठीक है ना, और भी क्योंकि फिर बहुत मुश्किल होती है, और आप देखते हैं कि आप कोसते हुए जा रहे होते हैं कि वहाँ करने की क्या जरूरत थी शादी, कितनी बुरे लॉन था, कितना बुरा लॉन था, या कितनी दूर की है, कौन जाए भाई. इसलिए कि वो आखिरी वक्त पे इमरजेंसीज होती हैं या आखिरी वक्त पे शादी तय होती है, तो बुकिंग के लिए कोई अच्छी जगह नहीं मिल रही होती. अच्छा, तो जोड़ा और वेन्यू पहले से कराना, और वेन्यू पहले से कराना, फिर मेकअप अपॉइंटमेंट. अच्छा, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फिर दिसंबर का होता है जो मेकअप वाले होते हैं, स्टाइलिस्ट होते हैं, ब्यूटिशियंस होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, चॉक ब्लॉक अपॉइंटमेंट. सही कह रहे हैं आप. ठीक है, मतलब मैंने बाज सैलॉन्स में देखा है कि 150 दुल्हनें होती हैं, और ऐसा लगता है कि एक लाइन चल रही है, फैक्ट्री चल रही है. ना मौसम, क्या सवाल आपका मेकअप, आई जस्ट से आपका मेकअप आर्टिस्ट आस्क चाहिए टू यू नो टू गेट द बेस्ट मेकअप. देखिए, सबसे पहले मेकअप के लिए आपको एक तो अपना पता होना चाहिए कि आप क्या स्किन टोन्स कर रहे हैं. फिर चूंकि आपने जोड़ा ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है, अच्छा एक चीज हम भूल गए हैं, ज्वेलरी पहननी है आपको, वो अगर आप अपनी पसंद की चाह रहे हैं. और एक बात जरूर याद रखें कि ज्वेलरी जोड़े से पहले मत ऑर्डर कीजिएगा, इसलिए कि फिर आप फंस जाते हैं. जिस तरह की ज्वेलरी ऑर्डर की है, जिसमें जो नग है या चीज़ें, उसी के हिसाब से आपको जोड़ा ऑर्डर करना होता है. आप पहले जोड़ा ऑर्डर करते हैं, उसमें सब चुनते हैं, देखते हैं, उसके बाद उसके हिसाब से ज्वेलरी. अगर कभी ऐसे होता है जैसे मेरी बहन के साथ हो कि अम्मी की ज्वेलरी पहनी थी, उसके एक ख्वाहिश थी कि अम्मी की ही पहनूंगी, तो ज्वेलरी के हिसाब से जोड़ा हो सकता है. बिल्कुल हो सकता है, मगर लिमिटेड ऑप्शन होंगे. फिर जब हम इन असम्पशंस के साथ चल रहे हैं कि आपने ये कर लिया है, तो 2 महीने पहले आप कंफर्म करें अपनी वेडिंग लोकेशन कहाँ है, उसको जाके देखें क्या है, क्या है उसका एडवांस दे दिया आपने बुकिंग पे, उनको रीकन्फर्म कराएं. उसके बाद फिर मेन्यू की बारी आती है, केटरिंग जिनसे करवानी है आपको, जो करना है उनका मेन्यू डिसाइड कीजिए, आपके क्या क्या मेन्यू बनना है, कैसे करना है. हनीमून में जरूरी नहीं है कि आप बात कर रहे हैं कि आप मुल्क से बाहर की हम बात कर रहे हैं, अप नॉर्थ भी जाते हैं. बिल्कुल, अगर अप नॉर्थ में मौसम बहुत खराब होता है आप जो है वो फंस जाएंगे, इसलिए ठीक है हनीमून कराची में ही कर लेने से बेहतर है, जाके कोई बीच पर बुक करा लें. उसके बाद वेडिंग फेवर्स एंड प्रिंटिंग कार्ड्स, कार्ड्स की प्रिंटिंग ये सबसे पहले आपकी अपनी पसंद पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं. आप इलैबोरेट कार्ड्स चाहते हैं, बड़े, इतने बड़े बड़े कार्ड्स भी आते हैं तरह तरह की चीज़ों के साथ. उसके साथ कोई अनाउंसमेंट के लिए आप देना चाहते हैं, कोई चॉकलेट देना चाहते हैं, कोई मिठाई, यू नो इस किस्म की चीज़ें. और सादा आप करना चाहते हैं कि सादे से कार्ड आपने प्रिंट किए, ये इट ऑल. फिर ये देखिए, ये मेहंदी, शादी
और वो ये खूबसूरत कार्ड है, ये अच्छा सादा, ये भी डिफरेंट कलर्स के ऑप्शंस बहुत हैं। अगर आप एलैबोरेट चाह रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनर्स भी अवेलेबल हैं जो पूरा पैकेज तैयार करके दे देंगे आपको, प्रिंटर्स भी अवेलेबल हैं, जो कि आप जाएं कराची में तो एक बहुत बड़ी जगह है पाकिस्तान चौक, वहाँ तो प्रिंटर्स ही प्रिंटर्स हैं। सो आपके बजट पे और आपकी पसंद पे डिपेंड है कि आप क्या चाह रहे हैं। ये देखिए ये कितना एलैबोरेट कार्ड है शादी का, मुलाहिजा, लुक एट दिस, ये बुक है, या बुक है, उसके अंदर डिफरेंट कार्ड्स हैं। And इसमें मिठाई वगैरह भी डाल के देंगे सब, printers, they must give a proof, before they... तीन दफा प्रूफ देखें, स्पेलिंग्स गलत होती हैं, वेन्यू गलत होते हैं, नाम गलत लिखे होते हैं, आपको बहुत एहतियात करनी होती है। यू जस्ट कांट लीव एनीथिंग टू एनीवन, हर चीज आपको देखनी होती है, वरना आप ये देखें, ये स्टाइल देखें, जरा देखें, बहुत तरह की चीजें होती हैं, मगर आप अनफॉर्चुनेटली कोई चीज किसी पे छोड़ नहीं सकते, आपको बार बार देखना होता है। यस इट्स स्ट्रेसफुल, मगर इन द एंड आपको पता लगता है कि हाँ मेहनत आपकी आई। अगर आप दुल्हा वाले हैं तो आपको जो है, जिसे कहते हैं हम छुआरे और ये चीजें जो ट्रेडिशनली जाती हैं, फिर या चॉकलेट जो एक मुंह मीठा करने के लिए ऐलान के लिए निकाल के, उसकी भी पैकेजिंग डिफरेंट होती है, ठीक है, मुख्तलिफ आपका, आप चाहते हैं बटवे में देना, ट्रेडिशनली आप बटवे में दे सकते हैं, ये तरह तरह के बटवे होते हैं, जितना एलैबोरेट करना चाहे एलैबोरेट हो जाएगा। ये सारे जो है ना, ये हमने भी जो कलेक्ट किया, और ये बाद में ना ज्वेलरी रखने के बड़े काम आते हैं, छोटी मोटी चीजें रखने के बहुत काम आते हैं, बहुत काम आते हैं, ठीक है, या तोहफे देने के काम आते हैं छोटी मोटी, ठीक है ना, तरह तरह की चीजें हैं जो कि आपकी मर्जी है, आप डिपेंड करें, अवेलेबल पैकेजिंग भी है बाजार में, आप जाएं और दे दें। ये कब करना चाहिए हमें ये सब इसकी प्लानिंग? I mean, देखिए ये प्लानिंग तो आप कर लें वही दो, ये दो महीने पहले, दो महीने पहले, ठीक है। इम्पोर्टेंट चीज है फोटोग्राफर, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, आप ये भी बुक कर चुके होंगे, उनसे बात कर लें, उनसे तय कर लें रेट्स, आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, कितने गेस्ट, सबसे अहम मैं चाह रहा हूँ कि मेरे दोस्त भी आए, और मेरे दोस्तों के पड़ोसी भी आए, उनके पड़ोसी भी आए, उनके दादा जान भी आए, ठीक है, हर शख्स जा रहा होता है, इतना हंगामा होता है। सबसे अहम बात ये कि ये दुल्हा और दुल्हन के अलावा हर शख्स की शादी होती है, मोहल्ले वालों की, मोहल्ले वालों की, पड़ोसियों की, पड़ोसियों की, खाला की, दादी की, क्योंकि हर शख्स ओनरशिप लेता है हर शख्स की। कीप योर नर्व्स काम, फायरवर्क्स हो रहे होते हैं, हंगामा हो रहा होता है, लड़ाई हो रही होती है, कीप योर नर्व्स काम, क्योंकि आपके माँ बाप ने आपको पाला होता है, उनकी ख्वाहिशें होती हैं, आपके भाई बहन की खुशियाँ होती हैं, आपके दोस्तों की खुशियाँ होती हैं, सबकी होती हैं, सबको जल्दी सबको होता है, दिल चाहता है, लड़ाई झगड़े की कोई जरूरत नहीं है, ये आपकी शादी नहीं है, ये याद रख लें, आपकी शादी नहीं है, सबकी शादी है, सबको कुछ चाहिए होता है, ना कुछ नापसंदीदा लोग भी बुलाना चाह रहे थे मगर मजबूरी है, बर्दाश्त करना पड़ता है, आप कर नहीं है, एंड गेस्ट लिस्ट पे बहुत लड़ाई होती है, ठीक है, आपको छोटी शादी करनी है आपके हिसाब से, आप अपने लेट योर पेरेंट्स एंड लेट योर एल्डर्स डिसाइड उनको कितनी शादी करनी, खर्चा उनको करना, आपको थोड़ी करनी है, मगर खर्चे के हिसाब से गेस्ट लिस्ट, ये दैट, ये मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर उनकी मर्जी है, मगर ये सोच के कि कितना खर्चा करना है, जितनी चादर है उतने पांव फैलाने हैं, लोग जज्बाती होके 500 लोगों को बुलाते हैं, 500 और फिर हाँ, और 5000 भी मैंने शादियां अटेंड की हैं, 5000 की, कि जहां लग रहा था कि जहां खड़े बीच में खड़े हैं कुछ मजमे में, एक पॉलिटिकल रैली हो रही है, खाना बद इंतजामी के चांसेस ज्यादा, आइडियली आप उन लोगों को देखना चाहते हैं जो आपकी गमी खुशी में शरीक हैं, बट अच्छा मौसम, वी हैव टू मूव टू अ ब्रेक।